नमस्कार दोस्तों, आज आपको प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड EPR में क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। सबसे पहले आप कोई भी आइटम इंपोर्ट करते हो या कोई भी चीज़ आप अपने ब्रांड में बेचते हो उसमें प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल का यूज़ होता है, तो आपको EPR इन प्लास्टिक लेना होता है। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज है, कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, और डिफरेंट आपके रिक्वायरमेंट्स है कि आप उस कैटेगरी में आते हैं नहीं आते। आज की डेट में जब भी आप बाहर से कोई इंपोर्ट करते हो तो कई बार आप देखोगे कि इंपोर्ट में CHA की क्वेरी होती है कि भाई आपका ये इंपोर्ट नहीं हो सकता या आपके इसमें प्लास्टिक मटेरियल यूज़ हो रहा है, तो आपको उससे रिलेटेड EPR लेना पड़ेगा। ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंडर आती है चीज़ें और ये आपको EPR लेना पड़ता है। इसमें डिफरेंट कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4 कैटेगरी क्या है वो मैं आपको डिटेल में बताना चाहेंगे। नंबर 1 कैटेगरी 1 है, इसमें रिजिड पैकेज प्लास्टिक आती है जिसकी शेप अपने आप चेंज नहीं हो सकती। कोई भी आप लिक्विड मंगा रहे हो, कोई भी गैस मंगा रहे हो या कोई भी बॉटल है, कंटेनर्स है, वो सब कैट 1 कैटेगरी में कवरअप होते हैं। इसके बाद आती है कैट 2 कैटेगरी। कैट 2 कैटेगरी में कोई भी फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ प्लास्टिक जिसकी शेप अपने आप चेंज हो सकती है, कोई भी सैचेट है, कोई भी फ्लैप है, कोई भी स्ट्रेच है, ये जो प्लास्टिक की कैटेगरी है ये कैट 2 कैटेगरी में कवर होगी। इसमें डिफरेंट लेयर ऑफ प्लास्टिक यूज़ हो सकती है, पर जो भी लेयर होगी वो प्लास्टिक की ही रहेगी, ना कि कोई अदर मटेरियल इसमें यूज होगा। उसके बाद आती है कैट 3 कैटेगरी। कैट 3 कैटेगरी वो है जिसमें 1 लेयर ऑफ प्लास्टिक है और अदर लेयर ऑफ एनी अदर मटेरियल है अदर देन प्लास्टिक, उसको आप कैट 3 कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। कैट 3 कैटेगरी में इस टाइप के प्लास्टिक कवर होते हैं, आपको पता भी चल जाएगा। उसके बाद आती है कैट 4 कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक, जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है प्लास्टिक। ये अपने आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो प्लास्टिक ख़त्म हो जाता है। किसी भी मॉल में जाएंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, वहाँ कई जगह आप बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के मटेरियल भी देखेंगे, तो उसमें भी आपको EPR लेना पड़ता है। गवर्नमेंट ने जो ये कैटेगरी लाई है इसके अकॉर्डिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रिसाइकिलिंग की है, उसमें कुछ मटेरियल जितना भी आपने प्लास्टिक मंगाया उसे रीयूज करने की है, और डिफरेंट आपके उसके अकॉर्डिंग टारगेट्स हैं। ये गवर्नमेंट की साइट पे भी क्लियर टारगेट्स हैं और उसको हमने भी थोड़ा सा लिखा है। 21-22 में 25% था, 22-23 में 70% है, और 23-24 ऑनवर्ड इट विल बी 100%। तो इससे रिलेटेड आपको EPR फाइलिंग में कोई दिक्कत आ रही है या किसी प्रकार से और कंसल्टेंसी चाहिए, तो उसके लिए हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। आप हमसे जब चाहे जब संपर्क कर सकते हैं। और इसमें डिफरेंट आप गवर्नमेंट की वेबसाइट है EPR प्लास्टिक से रिलेटेड, उस पर भी देख सकते हैं, और हमसे कोई चीज़ कंसल्ट करना चाहे तो हमसे भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।